सागर में सागरी लाल सापित को सी हृदय में लगी। अरे प्याहु विष्णु से बेटी प्रतिज्ञा किए अमन की मन में रही स्वर्ग मूरत गए गीत श्याम कुंवर गा सहबुआ जा दिए। अरे भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सतयुग का समय था, कहा जाता है राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हुआ करते थे और देवताओं के गुरु का नाम बृहस्पति गुरु था। बृहस्पति गुरु के एकलौता बेटा जकर नाम रहल कुशध्वज और कुशध्वज के पास एगो बेटी रहल जो बेटी का नाम रहल वेदांति। दो बेटी नाम था। धीरे धीरे मेरे साथ यह चारों वेदों को कंठस्थ कर लेती है। चारों वेदों की ज्ञाता होने के नाते उसका नाम वेदांति रख दिया गया। लेकिन जब वह पैदा हुई तभी से उनके पिता जो कुशध्वज रहे उनके दिल में एक भावना जगी है, हृदय में एक जिज्ञासा जगी है कि जब भी बेटी की शादी करूंगा तो भगवान विष्णु से करूंगा। यही तो सोच करके बृहस्पति गुरु के पास पहुंचे, बाबू जी हमारी बिटिया सयान हो गई, लगभग हमारी बेटी लगभग सयानी हो चली है, मैं प्रण किया हूं कि जब भी शादी करूंगा तो भगवान विष्णु से करूंगा, शादी कर दूंगा भगवान। बृहस्पति गुरु बृहस्पति बताए कि बेटा अपनी बेटी से कह दो घोर साधना करनी होगी, घोर तपस्या करनी होगी, भगवान विष्णु प्रकट हो गए तो वरदान मांग लेगी। इन्हीं के कहने के अनुरूप हमें साथी वेदांती जो है चल चली जाती है जंगल में, तपस्या करना शुरू कर देती है। अगर जंगल में तपस्या करे शुरू चल हलस तपस्या करे लगल यज्ञ करना शुरू करती है। हवन कुंड में मेरे साथी हवन कुंड में विष्णुआय नमः करके देना शुरू कर देती है धूप धूप घी अगरबत्ती। धीरे धीरे प्रणाम परिणाम निकले। कुछ समय बाद एक दिन चयन होनी हो गई, खवनन होनी हो गई। एक लाइन गीत बा, आई हो गीत दादा पुरन के दादा लोगन के जमाने के बाद खवन गीत बा मास्टर की बलम रसिया। अरे बलम रसिया तू है जाए ना देव बलम रसिया लोग जाए तो घटना घट गई। अरे हरे लंका के चलिया व्यक्ति, अरे लंका के राजा, अरे लंका के राजा रावण शेर कर चल ले, लंका के राजा रावण शेर कर चल ले। लंका का राजा हो रावण सैर कर चल ले, लंका का राजा हो रावण सैर कर। देखल गगनवा से सुंदर कुमारी, देखल गगनवा से अल्लाह विमान नीचे बहिया उघारी, लाला विमान नीचे बहिया और प्यारी बनई बन की, अरे प्यारी बनई बन मान लो के लंका का राजा तहिया। सुंदर कन्या, अति सुंदर कन्या तपस्या में लीन है मेरे साथी, उसके दिल में काम की भावना जगी है। अगर काम की भावना जगी है विमान को नीचे उतारा है और विमान को नीचे उतार करके मेरे साथी वह धीरे धीरे उस कन्या के पास पहुंचा और कन्या के पास पहुंच करके उसके तपस्या को भंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको कामदेव की सवारी हो चली थी। वह सोच लिया था रावण की इसको ले चलूंगा, मैं इसको अपनी दुल्हन बना लूंगा। तरह तरह के प्रलोभन दे रहा, तरह तरह की बात कर रहा है उसके सामने। आ लड़की किस विष्णु की बात करती हो, किस विष्णु को अपना दुल्हा बनाना चाहती हो, ऐसे ऐसे तो तमाम विष्णु और ब्रह्मा और देवता लोग आकर के मेरे एक कहने पर मेरे दरवाजे पर पानी भरते हैं। छोड़ो विष्णु की चिंता, चलो मेरे लंका में, सोने की मेरी लंका है, वहां तुम्हें रानी बना करके रखूंगा। और ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे विष्णु आकर के तुम्हें पानी देने का काम करेंगे, तुम्हारे कहार बन करके रहेंगे। एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, चार बार जब पुकारा है मेरे साथी, उसका ध्यान भंग नहीं हुआ, जाकर के धीरे से उस लड़की के कलाई को पकड़ लेता है। जब कलाई को पकड़ा है मेरे साथी, उठी है और उठी है मेरे मित्रों, उस उठने के बाद मारे क्रोध में वो लड़की एक आवाज देती है, जिस सोने की लंका पर तुझे घमंड है उस लंका का सर्वनाश हो जाएगा। अरे वो कैसे बतावे लगल कि जल जाई रे पपिया, अनास हो जाई रे पपिया, जल जाई रे पपिया, जल जाई रे पपिया, नास हो जाई रे पपिया, तोहरी लंका गोल्ड नगरिया राख हो जाई रे पपिया, तोहरी लंका गोल्ड नगरिया राख हो। खड़ी होती है शांत देती है, ओ लंका का राजा रावण, जिस लंका सोने की लंका पर तुम्हें घमंड है वह सोने की लंका तुम्हारी मेरे द्वारा जल करके एक दिन राख हो जाएगी। रावण सुनलस कहलस के, अरे भाई इतना बड़ा श्राप क्यों दे दी हो? आवाज देती है मेरे साथी, हमारे हिंदू चाहे मुस्लिम धर्म के बंधु हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग मुस्लिम धर्म के भी प्यारे होते हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले हिंदू धर्म के प्यारे होते हैं, यह हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। लेकिन वह कहती है कि हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, साफ साफ सुनो, क्या मैं तुम्हें श्राप दी हूँ? कलंकित किया तूने मेरा कुंवारा पनावा, चली जाई रे पपिया, नाश हो जाई रे पपिया, चली जाई रे चली जाई रे पपिया, नाश हो जाई रे पपिया, तो कही के हवन कुंड में दिहली जान, गवाई रे पपिया, तो कही के हवन कुंड में दिहली जान, गवाई रे पपिया। सोने की लंका पर तुझे घमंड हो जल करके राख हो जाएगी, ऐसा क्यों होगा? वह लड़की बताती है कि रे रावण, मेरे हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि किसी भी कुंवारी कन्या को कन्या का पराया पुरुष अगर उसका हाथ मात्रा स्पर्श कर देता है तो उसका कुंवारापन खत्म हो जाता है। अगर शरीर से स्पर्श हो गया लड़की का कुंवारापन वही खत्म हो गया, इसलिए मैं तुझे श्राप दे देती हूँ कि तू मुझे दुल्हन बनाना चाहता है ना, तो ये तुम्हारी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। रावण को तो श्राप दे देती है, रावण भी बाबूजी खिलवाड़ थोड़े था, मारे गुस्सा के गड़गड़ाल कर, आ लड़की अगर मेरी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी तो तुम्हारी भी विष्णु से शादी की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी, ये भी सोच लेना। यही कहा रावण, और लड़की श्राप दे दी कि मेरे द्वारा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण श्राप दे दिया कि तुम्हारी इच्छा कभी नहीं पूर्ण होगी जिस तरह से मेरी नहीं होगी। यही कह करके वह लड़की हवन कुंड में जल करके प्राण दे देती है। बाबू लड़की जब प्राण दे देलस तो आप लोग सुन ला भाई साहब, पहले जन्म का बात बतावल रहलू बसुरिया के जन्म में डोमिन रहल, लेकिन जब लड़की मेरे साथ जब पहले जन्म ये अपने प्राण को त्याग देती है तो दूसरा जन्म कहां से भल, बड़ी गोढ़ बात बा। यहाँ एक लाइन, हाँ 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 गीत बा मास्टर, बात पर बात का बोया डाले, वरदान मांगा वाली बात है भैया, वरदान मांगा वाला लोग ऐसा चलाक हो ना कुछ लोग की मांग ले जो ना हिसाब में आवा तो ना मांग ली हम। यही मृत्यु लोक में, यही मृत्यु लोक में एगो आदमी का मृत्यु लिखल रहल, ऐसे मरे के सब ही के बाद ओके मान ला आज मरे के हो और दस दिन ले बेसी ले जियत रह गए, धर्म जमराज रजिस्टर कत्तों तो पाए गए लहल। यमराज अपने पीए के बोलोला कहा कि पन्ना खोल, क्या हो रहा है? पन्ना खोल दिया पीए,
कल के ओ सरकार कल कहा कहना हो यादव जी तो अब हिन्न 10 दिन पहलवा मरे के अब हिल जियत हुआ। यमराज कहना तब बेहुदा हो तुम की मैं, चलो अभी जा रहा हूँ उसको मार के लेके आ रहा हूँ। इधर धरे ले भैंसा पर चढ़े, अच्छा भैंसा पर चढ़ल धरधराएल उनके यादव जी के द्वारे पहुंचलन। कहना यादव जी बैठल जुलगई खटिया, कहना हे यादव जी कहना कहा कहना चला तू के चले के कहा तुहा तू के मुआई ब्याज, कहना हमके मुआई बा कहे भैया, कहना की तुमके तो 10 दिन पहले मर जाएगा चाहत रहा 10 दिन बेसी जी गैला। कहना ये महाराज यादव जी कहना की के हुआ, कहना हम जमराज हैं। कहना महाराज जमराज हवा तो 10 दिन तुहरी मर्जी से जियली हैं, तो हमके 2-4-5 घंटा 12 घंटा तनी हमारी मर्जी से जी ले देता बहने अहा जब कहबा तब हम चल चलो सरकार। यमराज कहना ये भाई गलती तो हमहू कहली 10 दिन जब हो गलती 1 दिन यू कहले चल जाये ठीक है, लेकिन बहने सवेरवा आई तैयार रहिया, कहना एकदम तैयार रह जब अलग तुरंत है। यमराज चले गए बिहान भल सबर मान नरमाई उठना गई ना धूप अगरबत्ती आ कपूर लिया के हौका सुलगावल जले अगिया में गोठवा में धूप ना धूप लिया के घी डार के चिन्नी डार के अकत्तों से यमराज के एक फोटो लिया को आगे पोत पोत लिप के वो आगे धई के आगे धई के ऊपर धूप अग्यारी करत हम ओम यमराजाय नमः यमराजाय नमः यमराजाय नमः। यमराज जब अल लगभग 10 बजे सवेरे तो देखत हो कि ये भाई ये कैसान आदमी है, बोला भैया ये कैसान आदमी है, ये मर्दबा तुना ही आज ले जे हमार नाव सुन ले कि यमराज आवत हो थे कम से कम 1000 गाड़ी 3-1 सांस में रहले हुई। आई हमारे आज तक के जीवन का पहला आदमी है जवन हमार पूजा करत हो, ये तो पहला व्यक्ति है। वो बेचारे यमराज कहत हो जिंदगी में पहली बेर के हमार पूजा करे वाला मिल गए, कहना ये यादव जी पखुरा पकड़ना ये यादव जी उठा 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 भैया बहुत तबियत खुशी है कोनो वरदान मांगला उठा उठा कोनो वरदान मांगला। यादव जी अब और धैको में हुरले हम ओम यमराजाय नमः ओम यमराजाय नमः ओम यमराजाय नमः ये कहत हो वरदान मांगला और धैके कसले जात हम बोलते ना हम सुनत हो बात के और धैके मुठ्ठन मुठ्ठन उठा कोई आगे बधरत हम। अरे कहना भैया ध्यान तोड़ा हम आए गली बहुत खुश हैं तुहरे पर वरदान मांगला जवन चाह तवन मांगला, लेकिन एक चीज छोड़ के कहना ऊ का कहना मौत मत मांगया, मौतिया छोड़ दिया तुमके मुआई जरूर लेकिन करे बात जवन चाह तवन मांगला। ये यादव जी उठाना कहना महाराज वरदान देवा, कहना बिल्कुल दे दूंगा, कहना सोचला कहना दे दे, कहना सोचला कहना दे दे, तिरवचा जब बना लेना तो कहना महाराज हमके एक वरदान ना चाहिए, कहना कैठ चाहिए कहना तीन ठे चाहिए तीन ठे, अरे तीन ठे ना पांच ठे मांगला, कहना ना तीन ठे खाली पांच ठे मांगला, कहना तीन ही चाहिए, कहना मांगा जल्दी मांगा, कहना महाराज पहला वरदान हमके दे दाऊ जो तुम्हारा भैंसवा है न, कहना हाँ, कहना ओकर सिंघिया दोनों फैले फैले है, कहना भैंसवा के सिंघिया तुमसे कहा लेते कनक हम वरदानवा मांगत है दा, कहना कहो तुहरे भैंसवा के सिंघिया तनी फैले फैले है, कहना तब यादव जी कहना की पहला वरदान हमके दे दा तुहरे भैंसवा के सिंघिया दोनों सट जाए कह में दोनों सट के तरह हो जाए पूरा नोखार। यमराज कहना बड़ा बकचोद ही रही है भाई चला मांग ले तने न मांग ले ठीक 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 यो मस्त भैंसा सिंह तरह रह जाए के दोनों नोक सट गए। आ जब सट गए तो यमराज कहना जल्दी करा टाइम ज्यादा हो गई 11वां दिन है यात्रों के लिए चले के दूसर का वरदान गपते मांगा चला जल्दी करा। कहलस की भैया दूसर का वरदान हमके दे दा कोई सिंह अप जाए कि आप पलथी मार के बैठी जा। यमराज कहना भाई अहिर तो है लेकिन तेज दिमाग का लगा था, कहना का कला कहना महाराज दूसर का वरदानवा दे दा को सिंह जन चोखार भैल उठ जाए कि आपको पलथी मार के बैठा। यमराज कहना तो वरदान दे ही दे कही दे वचन दे दे हैं बेचारू जाए के भैंसा के मुड़ी झुकाए कोई सिंघी पर को बैठल है बीचो बीच, आ जब बैठल ना तो शरीर के बल ऊपर से पड़ल आ नीचे से भैंसा के सिंह चोखा रही हो लगल भैया आप शरीर में आप असर करे, आ जब असर करे यमराज बेचारे एकदम से छपटिया छपटिया चिल्ला था अरे यादव जी अरे दादा अरे दादा यादव जी कहना कहा कहना जल्दी वरदान मांगो नहीं तो मशीन गड़बड़ा जाने वाली है। यादव जी कहना कहा कहला कहना जल्दी तीसरा वरदानवा मांगा नाजुक जगह हालत खराब हो गई वो प्रेशर पड़ा था तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है जितने पलैया पतील हो जरिया मोठ कहता हूँ सरकार जल्दी वरदान मांगा, कहना सरकार वरदान हमके दे दा अब देख लें कि पूरा मामला डिसबैलेंस है एकदम अरे बैलेंस बन चुका है, कहना महाराज तीसरा वरदान हमके दे दा जैसे पहले से या जैसे रल भैंसवा कोई से हो जाए। यमराज उनसे छटकना कहना ये ससुर तू जा जिया हम अपन सामान थोड़े फार भगे अपन अपन विचार बा चाहे वो 36 पोर का हो रहा लोग चाहे 42 पोर के भैया हो हरी रावण श्राप दे दिया आज वो लड़की के हवन कुंड में जब जर गई था
दूसर का जन्म कहाँ से भेल धोन मास्टर साहब बजाओ तो की अन्हरिया बिता के अरे अन्हरिया बिता के कमल के फूल से हुआ सरोवर में पानी में मध्य पानी में भाई साहब कमल के फूल पर पैदा होकर के शिशुआवस्था में वह लड़की बड़ी सुंदर रूप में है और वहीं से फिर संजोग बदलल और जब संजोग बिगड़ल तो परिणाम का निकलल वो समय के बाद गीत के माध्यम से कवि जी लिखे हैं, थोड़ा सा सोचिएगा। अरे रावण गगन से दूसरा जन्म कमल के फूल से हुआ, कमल के फूल पर है मेरे साथी शिशुआवस्था में रावण फिर विमान से जा रहा था, निगाह पड़ी है विमान को उतारा है, अब क्या करना है, देखा है ध्यान से मेरे साथी बड़ा सुघर बार रावण कल्पना करे लगल कि ये लड़की के ले चल लंका में और ले चल के धीरे धीरे जब सयान हो तैसे अपन शादी कर ले ब्याह कर ले अपन रानी बना के रखब, इसी मनोकामना के सहित रावण उठाया है और हरण करके लेकर के मेरे साथी लंका में चला गया। और जब लंका में चला गया भाई साहब तो बड़ा अपशगुन होकर लगल, जो ही लंका के सीमा में प्रवेश किया है अब शगुन होना शुरू हो चला। ऋषि महर्षि ज्योतिषियों को बुलाया है, रावण देखिए आखिर क्या हो रहा है, दिन में सियार बोल रहे हैं, तरह तरह के अब शगुन हो रहे हैं। ऋषि मुनि लोग बताए कि रे रावण कहाँ भटक रहे हो, जिस लड़की को तू लाया है इसी लड़की के द्वारा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा रावण, सर्वनाश हो जाएगा। रावण कहलस के रे महाराज तो हमार सर्वनाश भैले से हम बचब कैसे। ज्योतिषी लोग बतौलना कि ले जाके ए लकड़ी का पेटी बनाए के आ यही पेटिया में बंद करके ले जाए के समुद्र में डाल दा, आ समुद्र में डाल दा न बांस रही न बसुरी बाजी न छत्तीसपुर उगी है आ न तो बसुरी। बताए कि पेटी में बंद करके छोड़ दीजिए भाई, भाई साहब पेटी बनवाया रावण ले जाकर के समुद्र में छोड़ना चाह रहा है और जो ही छोड़े बाद मेरे साथी तो कामातुर हो चला था, कामत दो की सारी हो चली थी, पानी में छोड़ करके जो ही आया है डुबो करके जो ही आया इधर मेरे मित्रों जाकर के मंदोदर के साथ अपने राजमहल में मंदोदर के साथ जाकर के शारीरिक संबंध बना दिया रावण, कार्य का मतलब कि मंदोदर के साथ संभोग कर दिया। आज जब संभोग कर दलस बाबू हर लड़की के प्राण निकलल यह रावण संभोग किया तो मेरे साथ ही संयोग बना कोई लड़की की आत्मा आकर के रावण के औरत मंदोदर के शरीर में प्रवेश कर गई। कहले का मतलब कि रावण के औरत मंदोदर के गर्भ रह गए। आज जब गर्भ रह गए धीरे धीरे नवा महीना आयल बच्चा पैदा होकर वाली समय आयल ही बेला में इंद्र से निमंत्रण पाके आये भैया रावण इंद्र लोक चलल। हरे तो रहली मंदोदरी संग में आसो चला रावण आये भैया दुई एक बुलावाई है लगभग तीन जन हो गई ली। अरे तरहिया में गरजल गर्भ गिरल तौने छनावा
बाबू जनकपुर में पाई एका। अक्षत्रिय कर जाना नारा हो, हरे तैया छाया नाम रखी कार लगली पाला नावा। रावण को जब बच्चा पैदा होने वाली समय आई, उसी समय में भगवान इंद्र यज्ञ कर रहे थे, निमंत्रण दिया गया रावण को कि रावण आपको भी आना है परिवार के साथ। रावण मेरे साथी परिवार के साथ चला है, सोच लिया तनी सवेरे वहां चली आ तनी घूमत चली लंका से धीरे धीरे अपने पुष्पक विमान से जनकपुर का एरिया होते हुए चला है। जब जनकपुर के एरिया में आया है मेरे मित्रों, तो रावण के मन में एक जिज्ञासा जगी कि क्यों ना उतर करके देख लिया जाए जनकपुर को। सिवान में उतर के आज जो ही कदम नीचे रखा है, सोचने लगा कुरापाती दिमागी रावण, सोचे लगल कि हमने के बोलावा खाली दो जने के है, हमके बा हमरे औरत के बा, आए हमरे औरतिया के पिठवा में बच्चा बा, ये हो सकला अब्बा ने तब पैदा हो जाई। अजो तो पैदा हो गए तो देवता बड़े अरबंग होते हैं, दो ही का बुलावा है, हम लोग अगर तीन हो जाते हैं तो हो सकता है कि श्राप दे देंगे। इसलिए मेरे साथी रावण क्रोध में हुआ, और क्रोध में हुआ उसी जनकपुर की धरती पर सिवान में धाम से गर्जना किया है। आज जब रावण गर्जना किया मेरे साथी, उसके गर्जना को सुन करके मंदोदरी के तन में जो पैदा होने वाली एक दो दिन में बच्ची थी, जो एक दो दिन में होने वाला शिशु था, वह बच्ची के रूप में बाहर हो गया शरीर से मंदोदर के। जब शरीर से बाहर हो गए तो देख लगे बच्ची बा, ए भैया वही छोड़ के जनकपुर के खेतवय में सिवनवय में छोड़ करके रावण तो चल दिया। आ जब रावण चल रहलस वही बेला में जनकपुर में सूखा पड़ल रहल, ये सी लोग बतौलन कि राजा या रानी मिलके हल चलावे तो पानी बरसी। राजा और रानी, राजा जनक और उनके नारी सुने ना सुने ना, दोनों जने मिलके हल चलावत रहलन तब वही हलवा के फरवा में गगरी टकराए गई। आ जब हलवा का फरवा गगरिया से टकराए तो एगो लड़की निकलनी जेकर नाम आप लोग सीता जानेला। सीता मिलली जने बेला में, सीता मिलली वही समय में लड़किया के वो ही जनकपुर के छत्राणी पौली। तो जब छत्राणी पौली बाबूजी अपन बेटी मान के ले जाए के पालन पोषण करे लगली, वो लड़की का नाम छाया रख दिली। आ सीता और छाया में दोनों में बड़ा बढ़िया संबंध भी हो गया। कहले का मतलब कि जैसे जैसे सीता बढ़े लगली वही तरह छाया बढ़े लगल। लेकिन आज भी वो लड़की के दिल में बाजवन रावण के श्राप के द्वारा हवन कुंड में कूद गई थी, रावण जिसको श्राप दिया था उस वेदांती को, आज भी उसके दिमाग में है कि जब भी शादी करेंगे तब भी भगवान विष्णु से चाहे राम बन करके आएंगे चाहे श्याम बन करके आएंगे, जब भी शादी करेंगे तो भगवान विष्णु से, वह दिमाग में है उसके बाद। लेकिन जब छाया नाम रख के वहां सयान भैल बाबू लड़की सीता सयान भैली भगवान शिव के धनुष के उठाई के सीता जी एक जगह से दूसरे जगह पर दहली, तो राम भगवान चलना गुरु जी के साथ धनुष के तोड़ना। आ जब धनुष के तोड़ना तो ये बाबू धनुहा के तोड़ी राम ये भैया सीता के बरना कई ले। हरे तो चल ले अवधे सा छाया गहली चारनावा। धनुष को तोड़े मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और सीता से शादी करके लेकर के अयोध्या की ओर चलना शुरू कर दिए। छाया बेचारी हाथ जोड़ के गवा खड़ी हो गई, प्रभु अरे बाप रे बाप, वही भगवान विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में प्रकट हुए थे। देखे हैं उसके आंख की तरफ जब आंख लगी है तो भगवान राम को समझते देर नहीं लगी, इशारा कर दिए कि छाया अभी नहीं इंतजार करो, तुम भी मेरे साथ किसी तरह से अयोध्या चली चलो। ए बाबू वो अयोध्या की ओर पीछे पीछे चल दहलस। राम जब अयोध्या में गई ना तो इहो छाये पीछे पीछे गई सीता जी के साथ। जब अयोध्या में पहुंचल तो वहां माई कैकई के द्वारा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया गया और राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया गया। अब भरत के 14 वर्ष का राज गद्दी मांग लिया गई। और जब वनवास मांग लिया गया तो हो तो भोर उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा, पिता और माता के वचन का पालन करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम वन की ओर चल दिए। और जब वन की ओर चल देना बाबू तो जब सुरसर नदी के किनारे पहुंचला, कल यहाँ से अब हमारे अयोध्या के लोग वापस चले जाए। जब अयोध्या के लोग वापस चलने लगे मेरे साथी, तो छाया वही खरीबा कलश की चकोरी जा, ए बाबू चकोरी जा चरण में लिपटी कहला सभी लगट जा। छाया बेचारी अब सोचलस कि हम कहाँ जाई, जाए के भगवान के दोनों गोड़वा छान ललस, प्रभु अवधि अवधेश पठा
लगा के चलो बिपिन की एरी। अवध अवधेश पठा के चलो बिपिन की ओरी, चकोरी जा चरण में लिपटी। प्रभु अब हम कहाँ जाएं, हमसे तो कहला कि अयोध्या चला, वहीं सतीगति लगाई, तुहार कौन व्यवस्था करब। कलन प्रभु की छाया घबराओ मत। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में भी उल्लेख किए हैं कि करब कुछ लीला। सुनो सिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। यही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। वही पर मेरे साथी असली सीता को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनसे शादी किए थे राजा जनक की बिटिया जो कही जाती हैं, उनको अपने हृदय रूपी अग्नि में रख लिए, अग्नि रूपी हृदय में रख लिए, और वही छाया के नकली सीता बनाए के मर्यादा पुरुषोत्तम लेके चल जलन वन की ओर। अजब वन में गए, सीता का अजब हरण कर लिया, ले जाकर के अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका में रखा, हनुमान जी गए लंका जला करके राख कर दी गई, सारे सेना उसके जवान मारे गए मेरे साथियों। अंत में रावण का भी वध कर दिया गया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा। आप लोग सारी बात को जानते हैं, गिद्ध जटायु अपना पंख कटवा दिया बेचारा, भाई अपने भाई सुग्रीव के द्वारा सुग्रीव के चाल से मारा गया। वहां तो वहां की बात वही रहने दें। जब रावण मार दी हल गई तब प्रमाण मिले लेकिन और कहानी दूसरी उड़ गई का भैया। अरे तरिया विषय के राज्य के अचल रघुराई, रहिया में दशरथ जी मिले दुख लाया। ये भैया रहिया में दशरथ जी मिले दुख लाया। रावण को मार करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम भाई विभीषण को राज तिलक दे करके जब लंका से अयोध्या की ओर आ रहे थे, बीच रास्ते में राजा दशरथ की आत्मा भटक रही थी। बताते हैं लोग कि नरक में राजा दशरथ थे, आत्मा उनकी खड़ी हो जाती है। अरे बेटा, राम खड़ा होकर के एकटक देखत हूँ, अरे बाबू जी यहाँ कैसे। बतौलन राजा दशरथ की, बेटा दुनिया के दाता हो भले मेरे बेटा कहे जाते हो, लेकिन जब तक आपका बाढ़ में भगवान राम पिता को स्वर्ग पठा करके अयोध्या में आए। अयोध्या का लोग तरह तरह का बात करा लग रहा है। आज भी अगर श्याम कुंवर का मेहरारू कौनो दूसरे मनई से कहीं तनी हाल चाल अगर पूछ ले अपने नैहरे का, तो देखा वाले कहीं के लगत है मर्दवा विवाह वाले उसे फंसा लिए का कौन ठिकाना है। अरे जब राम के ना छोड़ नहीं मनई, राम अयोध्या में आईला, गांव वाले तरह तरह के बात बतियावे लगला। कहो एक दिन के हो के मेहरारू के कोनो दूसर मनई ले जाला तो कुछ कह देला, आ इनकी मेहरारू के कान केतना दिन ले रावण वाले जाए के रखले रहल, कहो कुछ कह लेना होई। लेकिन मेरे साथी रावण जब जब सीता के पास जाता था तब तब लोग बताते हैं कि किसी को साथ में लेकर जाता था। बहरहाल आलोचना उखे लगल, लांछन लगावा लगला लोग। भगवान राम कहना कि तोरण का विश्वास कैसे पड़ी, तो अग्नि परीक्षा ले लिया जाए। अग्नि परीक्षा जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लिए हैं मेरे साथी, तो अपनी असली सीता को जो हृदय में रखे थे उस सीता को उठा करके उस सीता पर रख दिए। आज जो नकली सीता बना करके छाया गई हुई थी वही छाया मेरे साथी उस अग्नि में जल करके भस्म हो जाती है। आज भस्म हो गई कलश, अरे हई तमाशा देखा। सतयुग बीतल त्रेता बीत गए लगभग, हम इनके अपन पति मानल बनावल चाहत रही हो, हमार मनोकामना पूरा ना होके दलों। अच्छा तो ठीक बा, चला जब अगला जन्म हुई तो फिर देखा एक बेर भैल का कि अरे छाया को जलाए भेदवा लखन से छिपाया। लीला करने के नाते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लक्ष्मण से भी असली बात नहीं बताए, क्योंकि लीला कर रहे थे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम दुनिया के दाता भगवान राम। ए बाबू 14 वर्ष तक नींद नार भोजन जो भाई त्याग दिया था उस भाई से भी इस बात को छुपाए रखे, उनको लीला करनी थी। परिणाम निकला कि धीरे धीरे त्रेता बीत गयल, द्वापर का समय आयिल। जब द्वापर का समय आयिल तब राजा द्रुपद पुत्र सौयज्ञ कईल। भैया राजा द्रुपद
महिला है। प्रगति भवानी हवन कुंडवा सवाया कहा बेटा ले बाबा पी के खाया ये भैया रावण के शराब बस पसीना ही पवली ये भैया रावण के शराब बस पसीना ही पवली आज जहां पर मैं कृष्ण भाई बन के गई लाया वही छाया जब अग्नि में जली है द्वापर आया द्वापर में राजा ध्रुपद पुत्र से यज्ञ किए उस हवन कुंड से एक बेटा पैदा हुआ और एक बेटी निकली जिस बेटी का नाम मेरे साथी द्रौपदी रखा गया महाभारत में और वही आत्मा जो थी छाया की आज द्रौपदी के रूप में आई है। आज जब द्रौपदी के रूप में आई तो बड़ी लालसा बाकी भगवान राम अगर कृष्ण के रूप में इला हा तो द्वापर में हमसे इनसे शादी हो जाए। हे भैया शादी हो जाई लेकिन मेरे साथ ही रावण के श्राप रावण का श्राप काम कर गया। भगवान कृष्ण द्वापर में भाई बनकर के आ गए। अगर भाई बनकर के आ गए तो भाई के प्रति वही द्रौपदी से वो वेदांति से भाई के प्रति वहीं से क्षोभ पैदा हो गया द्वेष हो गया प्रतिशोध का भावना जागृत हो गई कि इतना दिन बीतल इतना समय बीतल इतना युग बीतल एक बात भी हमारे संग इतनी बड़ी धोखा कही नहीं ये लिए भाई के प्रति क्षोभ पैदा हो गया धीरे धीरे द्वापर का समय भी बीतल और जब द्वापर का समय बीतल कलयुग आ गया अरे कलयुग में वो द्रौपदी मेरे साथी कौन रूप में ली कहना बका आखिरी लाइन सथवा जवन कटल भवनिया भाई ताहर का मथवा भाई के प्रति द्वेष हो गए बाबू वही से जब कलयुग में आल्हा खंड में आप सुनते होंगे बिलवा के नाम से जानी गई वही शक्ति और जब बिलवा के नाम से जानी गई तो उसका भाई एक था ताहर बहुत ही बलशाली था और जब आल्हा रुदल ब्रह्मा से शादी करे के खातिर चलल हुआ तो ताहर इतना वीर रहल कि एक बेर जब अपन हथियार भाजे तो लोग निकल उनका पूरा सेनावा एकदम से दल आ जाए आज ही लोगों ने लोग की ब्याह ना करे जाई सोचे लगल कि दादा सतयुग में भी नहीं शादी हुई हमसे हमारी त्रेता में भी नहीं हुई द्वापर में भाई बन करके आए आज एक भाई हमारे देखा भी हुआ ना उखे दे तबा एक काम कैलस उठाई है तलवार और अपने सगे भाई का गला अपने हाथ से रेत देती है तलवार से भारतीय खटाखटन बाहर हो जाता है सर अलग धर अलग तो जवन कटल भवनिया भाई ताहर के मथवा ए बाबू यही लिए कहना बाकी चार युग में चार रूप पर शक्ति एक ही माना असोचा हो पीरा नवाना दिल में हो पठाना अरे तो चार युग को नाश कराई बीतल का थरा तो जवन अरे तो जवन का तला भवनी कहानी भी खत्म हो गई। अजय भाई के विश्वास ना हुई तो अद्भुत रामायण उठाए के पढ़ लिया वही अद्भुत रामायण में कहानी साफ साफ लिखल बा जौने संबिरहा गौलिया।